के नंबर्स आ रहे हैं और नंबर्स काफ़ी मतलब ऑल ओवर द प्लेस हैं। इनकम नीचे है, प्रॉफिट ऊपर है, एबिटडा फ्लैट है, तो समझ में नहीं आ रहा है ये हुआ क्या है। जो भी हुआ है लेकिन वो गाना याद आ रहा है, हम तो भाई ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। ऐसे ही भैया वही वो पुनीत गोयनका जी को फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है। देखिए जिस वजह से डील टूटी थी, लेकिन अब तो डील टूट चुकी है, तो फिर अब ठीक है, पुनीत जी बने रहना चाहते हैं तो वो रहेंगे अब 2028 या 2029 तक, 2029 तक। लेकिन खैर अभी एफएनओ का स्टॉक नहीं है तो इसके लिए अब इस पर ज़्यादा चर्चा बनती नहीं है। वैसे मैं सरप्राइज हूँ कि एफएनओ का स्टॉक नहीं है, क्योंकि होना चाहिए था इसको एफएनओ का स्टॉक। अगर आईडिया एफएनओ का स्टॉक अभी तक है तो जी क्यों नहीं है। लेकिन एनीवे अब नहीं है तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन एक बार राजेश जी से पूछ लेते हैं अगर उनके पोर्टफोलियो में अभी भी है क्या ये स्टॉक। राजेश जी नहीं, हमने बहुत पहले हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड कर दिया था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंपनी में कोई खराबी। आज की डेट में अगर आप देखो तो 12-13 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है और इतना बड़ा चैनल है जिसमें इतने सारे प्रोग्राम्स है। कुछ प्रोग्राम्स तो ऐसे हैं जो टीआरपी के हिसाब से जीएसई में जीईसी सेगमेंट में ऊपर के लेवल्स पे, बावजूद उसके 12-12.5 हज़ार करोड़ में ये कंपनी बढ़ी हुई है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से दिक्कत पे दिक्कत पे दिक्कत चली जा रही है और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी कोई न्यूज, कभी कोई न्यूज। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें सन टीवी में नजर आती है, जहाँ वैल्यूएशन अच्छे हैं, न केवल उनके चैनल्स के बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उनकी पहुंच है, आईपीएल की टीम है, कैश है कंपनी में, तो क्यों ना वहां एक्सपोजर लिया जाए जहां क्लैरिटी है। यहां तो कोई क्लैरिटी नहीं है, कल अचानक से कोई दूसरी न्यूज निकल कर आएगी तो उससे अच्छा है अवॉइड ही किया जाए। तो अवॉइड करने की सलाह। एबिटा फ्लैट है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में थोड़ा सा प्रेशर बनता दिखाई दिया है, लेकिन मार्जिन्स बढ़े हैं 3%। थोड़ा सा कंफ्यूजन है नंबर्स में, एग्जैक्टली क्या ड्राइव कर रहा है। चलिए